नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रांड न्यू बग्मी के मिथ बस्टेड वीडियोज में। गाइज आज का ये जो वीडियो है, इससे पहले आपने ऐसा वीडियो नहीं देखा होगा यार, क्योंकि ये जो वीडियो है इसमें मैं किसी कमेंट्स नहीं बल्कि ऐसे ऐसे वीडियोज को उठाने वाला हूँ जिनके अंदर ऐसे अजीबोगरीब हरकतें करके दिखाई जाती हैं जिन्हें देखकर आपका मुंह खुला रह जाता है। लाइक ऐसा भी होता है क्या आपके मन में ऐसा आता है? एंड जब गाइज आप कभी भी ऐसा ट्राई करने की कोशिश करते हो तो आपसे नहीं होता है। सो गाइज आज की इस वीडियो में मैं ऐसे ही वीडियोज को उठाऊंगा एंड आपको बताऊंगा कि क्या ये जो अदर यूट्यूबर ऐसा कर देते हैं ये रियल है या फिर फेक। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस पहली वीडियो से। देखते हैं दूसरी क्लिप को। तो देखा भाई ये लोग क्या कमाल का एक्शन कर रहे हैं। तो अब बारी है हमारी एंड इसको भी हम करने का ट्राई करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे क्या वाकई में हम ऐसा कर सकते हैं ना गाइज। एंड यहाँ पे देख सकते हो मेरे को बग्गी मिल चुकी है एंड मैं चलता हूँ इनकी भी ट्रिक अपने साथ करके दिखाऊंगा गाइज। इस बात के लिए यार एक लाइक ढोकना मत भूलना यार। यहाँ पे मैंने अपने रूम बर्बाद कर दिए यार जिन पे मैं नियमित से मैं टक्कर लिया करता था। तो चलो शुरू करते हैं। सो गाइज यहाँ पर हम सबसे पहले बग्गी वाली ट्रिक को अपनाएंगे। क्या हम लोग एक बग्गी में तीन लोग जा सकते हैं? बाई चांस कभी कभी हम ऐसी जगह पे फंस जाते हैं यार जहाँ पे हम होते हैं तीन और बग्गी होती है एक, तो वहाँ से कैसे निकलें? सबसे पहले मैं ये चीज़ आपको करके दिखाऊंगा। देख सकते हो यहाँ पे मैंने अपने कैरेक्टर को बग्गी के आगे लिटा दिया है, चपका दिया है एंड आगे की ओर स्प्रिंग कर दिया और यहाँ पे जो मेरा इनेमी है मुझे लेकर के जा रहा है। तो देख सकते हो यार यहाँ तक ये ट्रिक बराबर काम कर रही है यार। मतलब एक बंदा पीछे बैठ जाएगा और एक आगे इस तरीके से लेट जाएगा, तो वाह जा सकता है भाई, मज़ा आ रहा है। यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड करके मुझे कुछ और ट्रिक आपको करके दिखाता हूँ कि ये कितना हद तक सही है। अब उबड़ खाबड़ जगह पे चलने का टाइम आ गया है। ओए लग गए भाई साहब, देख सकते हो यहाँ पे पता नहीं ऐसा कौन सा ग्लिच हुआ कि इसकी हेल्थ बिल्कुल जीरो हो गई यार। यहाँ पे मैं वापस से हेल्थ लेता हूँ एंड उसके बाद दोबारा से ऐसा करके ट्राई करता हूँ। हम जब तक हार नहीं मानेंगे जब तक यहाँ पे हम दो में से किसी एक की पेटी नहीं बन जाती। सो गाइज यहाँ पे मैं इस बंदे को बोलता हूँ कि भाई अब तू बग्गी चला, मैं इसके ऊपर इमोट बाजी करूँगा वो भी सस्ते वाले। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं इमोट कर रहा हूँ। अरे भाई साहब ये क्या हेल्थ लो हो रही है भाई साहब, क्या बताएं यार। चलो हम दोबारा से ट्राई करते हैं। मतलब ये इनेमी था तो शायद इस वजह से मुझे डैमेज हो गया और यहाँ पे मैं एक रैंडम कोई मैच लगाता हूँ और उस पर ये चीज़ करने का ट्राई करते हैं। तो सो गाइज यहाँ पर मैंने दूसरा मैच लगा दिया है एंड यहाँ पे मैं आपको इमोटबाजी करके दिखाता हूँ क्या जब टीममेट अपना बग्गी चला रहा हो तो क्या पिछले मैच के जैसे डैमेज होता है या नहीं होता है, क्योंकि हम तो यार टीममेट के साथ ही ना ये करेंगे, इनेमी के साथ थोड़ी ना ऐसे हरमपंथी करने लगेंगे। तो देख सकते हो यहाँ पे मैं इमोटबाजी कर रहा हूँ, भाई साहब अलग ही लेवल के मजे आ रहे हैं यार। कितना मैं पहली बार कर रहा हूँ यार वाकई में। तो हाँ भाई लोग हम यहाँ पे ये चीज़ कर सकते हैं और इसी के साथ ये मिथ जो है कन्फर्म हो जाती है। ठोक दो दबा के लाइक, रुकने नहीं चाहिए गाइज। एंड चलिए अब हम दूसरी मिथ को करके देखते हैं क्या वो भी कन्फर्म होती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि वो मिथ क्या है गाइज। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि अगर बग्गी ऊपर नीचे होती है तो यहाँ पे आपकी पेटी भी बन सकती है। लाइक दिक्स आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो है नीचे गिर गया था कैरेक्टर। लेकिन इसका एक फ़ायदा है कि अगर हम लोग तीन हैं और बग्गी है वहाँ पे तो हम लोग तीनों के तीनों आ सकते हैं। हाँ पर बग्गी थोड़ा आराम से और बराबर वाली जगह पर चलाना होगा। तो चलिए प्ले करते हैं नेक्स्ट वीडियो को। तो भाई आपने देख लिया कि यहाँ पे ये जो कैरेक्टर है ये किस तरीके बंदों की पेटी डाल रहा था, कोने कतरे से छुप के मार रहा था। मतलब जहाँ पे हमने कभी एक्सेप्ट नहीं किया है वहाँ से भी गोलियों के ऊपर गोलियाँ बरसा रहा था। तो भाई इसे देखकर मेरे अंदर भी जुनून आता है एंड मैं भी ऐसा करके देखता हूँ कि क्या वाकई में ऐसा हम लोग भी कर पाते हैं या नहीं। तो अगर ऐसा होता है तो यार लाइक रुकने नहीं चाहिए।
तो चलो सबसे पहले मैं इनेमी को उसकी पोजीशन पे खड़ा करता हूँ एंड फिर ट्राई करता हूँ। सो गाइस यहाँ पे इनेमी ने अपनी पोजीशन ले ली है एंड अब बारी है मेरे को पोजीशन लेने की। तो देख सकते हो यहाँ पे मैं इसे मारने का ट्राई करता हूँ। यार जो गोली है वो इसे लकड़ी के डिब्बे में पता नहीं ये क्या है यहाँ पे फंस जा रही है, उस पार नहीं जा रही है। गाइस यहाँ पे मैं दो चार जगह से और ट्राई करता हूँ, यार देख सकते हो गोली जा ही नहीं रही है। आई थिंक मेरा रिकॉइलिंग कंट्रोलर है, लेकिन देख सकते हो यार यहाँ पे टैप टैप करने पे भी नहीं जा रही है। तो मैं थोड़ा और ट्राई करता हूँ गाइस। ओ भाई यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे हल्का सा डैमेज हुआ यहाँ पे। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं टैप टैप करके ही मारता हूँ यहाँ पे, ये बड़ा वाले छेद से मारता हूँ। भाई साहब आ गया है वो, भाई साहब देख सकते हो यहाँ पे हेडशॉट से इनेमी मर चुका है यहाँ पे। एंड अब मैं सारी की सारी वो ट्रिक करूँगा जो वहाँ पे ये कर रहा था अभी, जो पिछली वीडियो में आपने देखा। सो गाइज ये जो ट्रिक है इसे मैं क्या कहूँ यार, हाँ ये जो छेद के इस पार उस पार मारने वाली ट्रिक है ना गाइज, ये बहुत तगड़ी ट्रिक है। लेकिन इसके लिए एक चीज़ की ज़रूरत हम सबको पड़ने वाली है, वो है प्रैक्टिस। अगर आप एक बेहतर प्रैक्टिस करते हो तो आप यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो गाइज। देख सकते हो यहाँ पे मैं सही से मार नहीं पा रहा हूँ, मुझे टैप टैप करके मारना पड़ रहा है। लेकिन अगर आप लोग इसे प्रैक्टिस करोगे तो आप जैसा उस वीडियो में देखे उसके जैसा आप हूबहू मार पाओगे गाइज, एंड उससे भी अच्छा मार सकते हो। तो ये चीज़ की तो प्रैक्टिस मैं करने वाला हूं, क्योंकि यार यहां पे भी बंदे लोग कैंप करते हैं, लाइक उनको घर बसाना होता है यहां पे। तो ये ट्रिक जो है उस टाइम पे बहुत ज्यादा काम होने वाली है। तो भाई लोग इसी के साथ ये जो मिथ है ये यहां पे कंफर्म हो जाती है, हां आप लोग भी ऐसे मार सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको बहुत ही ज्यादा अच्छी वाली प्रैक्टिस करनी होगी गाइस। इसकी जो प्रैक्टिस है वो तो मैं करने जा रहा हूं, आप लोग करोगे या नहीं आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। सो गाइस अब बारी है अपनी आखिरी मिथ को कंफर्म या फिर बस्टेड करने की। तो चलो प्ले करते हैं उस क्लिप को भी। ओ भाई तो देखा आपने कैसे हमारे कार्लो भैया जो है स्पॉन आइलैंड से डायरेक्ट M4 को ले करके गेम के अंदर आ जाते हैं, एंड यहाँ पे बस इनको एमो ढूंढना है और बंदों को पेलना है पटापट से। सो गाइज ये जो ट्रिक है यार ये देखने के बाद मतलब मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, एंड अब मेरे अंदर भी जुनून है भाई, मैं तो ये करके ही रहूँगा। तो मैंने यहाँ पे अपनी सस्ती वाली M24 उठा ली है एंड इसको लेके चलता हूँ प्लेन के ऊपर, देखते हैं कि हम लोग इसे लेके जा पाते हैं या फिर नहीं। तो देख सकते हो भाई यहाँ पे M24 जो है मेरी अभी भी प्लेन के साथ में उड़ रही है, एंड इसको मैंने प्रेस एंड होल्ड कर रखा हुआ है कंटिन्यू। और ये दो नंबर बेंचो पता नहीं क्या कर रहे हैं यार, इसको मैं इतना बोल रहा था भाई हमको मत फॉलो कर, लेकिन ये गांडू इसकी वजह से चली गई पे M24। सो मैं दूसरा मैच प्ले करो यार, एग्जिट मारो इससे, एग्जिट मारो, भोसड़ी वाले ने बर्बाद कर दिया गेम पूरा। सो यहाँ पे मैं एग्जिट करता हूँ एंड प्ले करता हूँ दूसरा गेम। तो भाई लोग यहाँ पे मैंने दूसरा गेम स्टार्ट कर दिया है, एंड यहाँ पे एक चीज़ मेरे से इसमें भी मिस्टेक हो जाती है कि यहाँ पे भाई ने मुझको फॉलो कर रखा होता है, जबकि मैंने उससे कहा था कि यार मुझे फॉलो मत करना मैं तुझे फॉलो करूँगा, लेकिन माइंड से ये बात निकल जाती है। तो चलो अब हम लास्ट में जब हमें प्लेन लात मार के निकालेगी वहीं पर मैं आपको दिखाऊँगा कि क्या ये M24 वहाँ तक जा पाती है। नहीं वीडियो को करते हैं फास्ट फॉरवर्ड। ओ भाई लोग देख सकते हो यहाँ पे प्लेन ने हमको लात मार के निकाल दिया है, एंड अभी भी M24 मेरे हाथ पे है गाइस। अब तो मुझे लग रहा है कि हाँ भाई मैं इसको यूज कर सकता हूँ, लेकिन ये जो बंदे अभी अभी यहाँ पे जंप किए ये देख सकते हो ये ऑफलाइन नहीं थे, उसके बावजूद भी साले यहाँ पे आते हैं ताकि जो ऑफलाइन बंदे हैं उनको मार करके किल बढ़ा सके। तो गाइस अगर आपने भी ऐसा कभी किया है, मैं तो कर चुका हूँ, अगर आपने भी ऐसा किया तो यार इस बात के लिए एक लाइक ठोक दो यार, दबा के लाइक ठोक दो। तो चलो देख सकते हो अभी भी M24 मेरे हाथ में है, बराबर हिला रहा हूँ ऊपर नीचे गोल गोल करके। यार मैं नहीं चाहता कि ये मेरे हाथ से अचानक पहले वाले मैच के जैसे गायब हो जाए गाइस। यहाँ पे इसको मैं फटाक से लैंड कराता हूँ, देखते हैं लैंड कराते ही क्या होता है। तो भाई यहाँ पे मैं लैंड होने वाला हूँ एंड कर दिया भाई। अब मैं इसको ड्रॉप करके देखता हूँ क्या इसको मैं वापस से पिकअप कर पाऊँगा या नहीं। ओ द पिकअप फंक्शन, देखा जैसे मैंने ड्रॉप किया यहाँ पे कोई नोटिफिकेशन आया, स्लो मोशन देखते हैं
टेम्पररी डिसेबल बट विल अवेलेबल इन आफ्टर 30 सेकेंड। अरे यार, इन लोगों ने ऑटो पिकअप फंक्शन ही डिसेबल कर दिया 30 सेकेंड के लिए। तो भाई लोग, ये कार्लो भैया ने हमारी बहुत बुरी तरह से काट ली है गाइज। यहाँ पे इस कटने के लिए 1 लाइक तो बनता है गाइज। अगर आप लोग ऐसे ही और भी वीडियो देखना चाहते हो और आप पसंद करते हो ये जो मैं न्यू तरीके से मिथ बस्टेड वाली वीडियोज बना रहा हूँ, अगर आपको ये पसंद आ रही है तो एक लाइक कर दो गाइज एंड इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। यहाँ पे मुझे खूब सारा प्यार दिखाओ ताकि मुझे अगले वीडियोज बनाने के लिए मोटिवेशन मिले गाइज। एंड इस वीडियो में जो भी कमियाँ आपको नजर आ रही हैं यार, प्लीज़ नीचे कमेंट में मुझे बता देना, मैं उनको अगली वीडियो में जरूर से जरूर सुधार लूंगा। एंड बैकग्राउंड नॉइज के लिए मैं सॉरी कहूँगा, क्योंकि यार ये जो मेरे बैकग्राउंड में ऐसे नॉइज आते रहते हैं इनका मैं कुछ नहीं कर सकता। एंड मैं बहुत ही जल्द एक अच्छा सा माइक भी परचेस करने वाला हूँ गाइज। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह किसी अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।